नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल DU UG 2024 फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आया। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्रिएट होने लगे, तो उनके DU जाए कि BHO। अभी आपको एक अपडेट देता हूँ कि आज 17 अगस्त को लगभग शाम तक हमारा BHO UG का जो अलॉटमेंट है वो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो कन्फ्यूजन है ना, ये जो डिबेट है कि हम DU में जाए BHO में जाए, तो किस बेसिस पे चूज करना चाहिए, एक दो पॉइंट बता देता हूँ। पहले तो आप देखो डिस्टेंस क्या है, यानी आप ट्रांसपोर्ट वगैरह इजली वहाँ पे जा पा रहे हो, घर से कितना दूर है, क्योंकि ये भी मैटर करता है। फिर आप देखो कि जो सब्जेक्ट्स मिल रहे हो आपके इनके अकॉर्डिंग भी नहीं है, और थर्ड आप उसको एक्चुअली इकोनॉमिकली अफोर्ड कर पा रहे हो कि नहीं। भाई पैसे से भी आप उसको देखो एक बार, बस ये दो तीन चीज़ें देखो। और बाकी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज का भी एक ख्याल बचपन से होता है, वो तो बचपन में सपना देखते हो तो BHO ही पढ़ेंगे, तो इस बेसिस पे आप BHO चूज कर सकते हो, DU चूज कर सकते हो, वट एवर। ऐसे अब धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट आने ही लगेगा। अब BHO का जो अलॉटमेंट आएगा तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि अलॉटमेंट आता है पोर्टल पे तो आपको एक्सेप्ट जरूर करना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। अगर आप अलॉटमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द राउंड्स में आपको मौका मिलेगा। और इस बार के अलॉटमेंट प्रोसेस में जैसे हमारे यहाँ कोर सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मान लो कि आप BA में जा रहे हो, वहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तीनों आपको दिया जा रहा है, एक दिया जा रहा है ऑनर्स बेसिस पे, ठीक है। ऑनर्स आपको अलॉटमेंट होगा, बाकी डिपार्टमेंट या फैकल्टी लेवल पे, यानी फैकल्टी लेवल पे जो उसका है बाद में प्रोसेस बताया जाएगा, अभी वो क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब तक अलॉटमेंट नहीं आ जाता है तो मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअली वो वर्क कैसे करेगा। तो डिस्कशन में काउंसलिंग वाला नंबर है, जब ये आता है और आपको इसमें कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन का नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, आगे का प्रोसीजर फॉलो कर लेना। तो हम लोग अपने स्क्रीन पे आपसे स्क्रीनशॉट मार के जो भी है आपके एम के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आप ये कोर्स लो मत लो, क्या करना है। लेकिन ध्यान देना है कि अपग्रेडेशन रूल्स भी होते हैं इन सब में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एक्सेप्ट जरूर करना है उसको, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उसका पेमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जरूर फॉलो करना है और बाकी पोर्टल को चेक करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सबके एडमिशन हो जाने हैं, इसके राउंड्स आते रहेंगे। जैसे फर्स्ट राउंड आया, पेमेंट डेडलाइन हो गया, मान लो 20 तक डेट पेमेंट डेडलाइन हो गया। ये ध्यान देना है, बस स्टेटमेंट है, इसको फॉलो मत करते रहना। अगर कोर्स लेना है तो पेमेंट तुरंत कर देना, मतलब 6-7 घंटे के अंदर ही कर देना। तो मैं आपको बता रहा था कि सेकंड राउंड, तो उसका सेकंड राउंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, मॉकअप आएगा, तो ये पूरा एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली अब शाम को जब पोर्टल पे आएगा तो हम लोग उसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, आप देखते रहिए सूर्य पाठशाला, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।